सभी लोगों को धन्यवाद। सबसे पहले चौहान साहब को प्रणाम, रोहित भाई, काड़ू भाई, ये सब लोग इनके लिए समर्पित है, एनडीएस के लिए। यहाँ जो भी लोग आए हैं ये एनडीएस से जो फ़ायदा मिलते हैं उनके लिए। पहले मैं मेरा नाम बता दूँ, खुशहाल रादड़िया अंकलेश्वर से हूँ। मेरी बेबी ने अपना पूरा अनुभव बताया कि स्किन के प्रॉब्लम के लिए कई कई जगह हमने जाके दवाइयाँ ली थी अलग अलग प्रकार से, लेकिन जो फ़ायदा नहीं मिला वो कालू भाई के मार्गदर्शन में चौहान साहब की कृपा से जो एनडीएस सिस्टम डेवलप हुआ है उनसे हमें मिला है। इनके अलावा जब हम मेरी लड़की ने चालू किया उसी टाइम हम तो हमारा रूटीन खाना ही खा रहे थे कि भाई उनको क्या होता है क्या नहीं। वो घर में रहती थी, हम खाते थे, लेकिन वो तो एक साहब ने बोला कि जिद करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, उसी तरफ बस करना है तो यही करना है, दवाई तो खाना ही नहीं है। तो दवाई छोड़ने के लिए किया था और पूरी इनकी डिजीज है वो क्लियर हो गई। उसका रिजल्ट आने के बाद हमें भी ऐसा लगा कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, ये सिस्टम में इतना पावर है, ये एनडीएस से जुड़ी हुई जो सिस्टम है, जैसे वो बता रहे कि भाई ग्रीन जूस लेना है, फ्रूट जूस लेना है, वो करेंगे तो अपने बॉडी में भी जो रोग है, जो डिजीज़ है वो क्लियर होंगे। उनके बाद 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हिस्से हमने चालू किए हैं। मैं सुबह से 11-12 बजे तक अभी कुछ पानी भी नहीं लेता हूँ, ग्रीन जूस 12 बजे के करीब ग्रीन जूस लेता हूँ। उनके बाद शाम तक जो भी फ्रूट या फ्रूट का रस लेता हूँ। 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि शाम के एक टाइम पकाया हुआ भोजन खाता हूँ, यहाँ झूठ बोलना तो मना है, जो हमने किया है वो सच बोलना पड़ता है। यही मेरे हिसाब से कि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ आओ और झूठ बोलो और लोगों को करो उसमें से मैं पैसा मिलता है, ऐसी तो बात है नहीं। तो मैं जो कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि शाम को एक टाइम में पका हुआ खाना खाता हूँ, दूध और दूध की आइटम 99% मैं नहीं लेता हूँ, कभी कहीं ख्याल नहीं है और किसी में आ गया तो बात अलग है, लेकिन वो 90% मैं दूध और दूध की आइटम नहीं लेता हूँ। इनकी वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉर्डर के नज़दीक आ रहा था, डॉक्टर बता रहे कि आपको कोलेस्ट्रॉल की गोलियाँ चालू करने पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि दवाई लेना नहीं चाहिए, दवाई अपने शरीर के लिए है ही नहीं, अपने शरीर के लिए फ्रूट से जो वो दवाई से ज़्यादा अपने लिए काम करता है। तो मैंने ये चालू किया, बाद का रिपोर्ट है, मेरी लड़की ने बताया उसी टाइम उनका रिपोर्ट भी 1 अप्रैल का है, मेरा भी है, मैं जून का रिपोर्ट है, मेरा भी है और उनका भी है। तो उसी टाइम दो महीने से रिपोर्ट किया, तो मैं एक टाइम खाना खाता हूँ फिर भी मेरी जो बॉडी में कमी कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन हो गया, हेमोग्लोबिन बढ़ गया, उनका भी हेमोग्लोबिन बढ़ गया। तो उसी तरह 100% करते हैं तो रिजल्ट 100% मिलता है, लेकिन हमारे मगज में यही है कि भाई खाना तो पड़ेगा, तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि मेरे शरीर में जो भी रोग आने वाले थे वो 90% चले गए। दूसरा, मुझे नी का प्रॉब्लम डॉक्टर को बताता है तो बोलते हैं कि आपकी हड्डियाँ घिस रही है वगैरह वगैरह, तो ये चालू करने से मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो नी का प्रॉब्लम था पेन का वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो गया। जस्ट मैं 6 तारीख को राजस्थान गया था तो करीब करीब 6.5 घंटे सिंगल स्टॉप मैंने ड्राइविंग किया, फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। 200 किलोमीटर गाड़ी चलाऊँ तो भी पैर दुख रहा था और पैर में जो नी का जो ग्लोज आता है पैर ना का वो पैरता था। अभी 600 किलोमीटर में से 450 किलोमीटर वन स्टॉप गाड़ी चलाया, मेरे को पेन नहीं हुआ। जो मैं एक टाइम खाना खाता हूँ फिर भी इतना किया और इतना रिजल्ट है, तो किसी को प्रॉब्लम है और 4-6 महीने करेंगे ना तो भी उनको 100% रिजल्ट मिलेगा, और 15 दिन या 20 दिन आप ट्राई करेंगे तो आपको मालूम होगा कि भाई हम जो खा रहे हैं उनसे अच्छा ये है। और साहब ने जो बोला कि बच्चे के लिए उनकी माँ सबसे ज़्यादा दुश्मन है, तो मेरी मिसिज भी साथ में है और वो भी बोलती है अब खाना चालू करना चाहिए, कि जो 11 महीने से रिजल्ट है हमारे सामने फिर भी उनकी मम्मी यही बोलती है कि तेरे को अब खाना चालू करना चाहिए।
तो 27 साल का जो श्याम का एक्सपीरियंस है वो बलवान है, या हम सोचते हैं 2 महीने तो 3 महीने 5 महीने में रिजल्ट हो गया तो हम पहले जैसा चालू करें और फिर पहले जैसे बीमार हुए। कालू भाई, रमेश भाई, रोहित भाई, वो सब लोग यही एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हैं और 100% उनसे समर्पित है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इनसे मार्गदर्शन ले, से साहब का मार्गदर्शन लेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बीच में एक बात बता दूं कि मेरी लड़की को करीब करीब 8वें महीने के करीब बुखार आया था, इतना तेज बुखार था। तो कालू भाई ने फ़ोन किया, साहब ऐसा हुआ है, इनको रिपोर्ट विपोर्ट करवाना, क्या करूँ? तो बोले कुछ नहीं करना है, 3 दिन रह जा, ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको बुखार इतना कि आधे घंटे यहाँ सोफे पे सोती है, आधे घंटे दूसरे रूम में जाके सोते है, तीसरे रूम में जाती सो जाती है, नीचे सो जाती है, पेन हो रहा है वगैरह वगैरह। कालू भाई का एक ही प्रश्न है, 3 दिन रहेगा, जो भी हुए हमें रिपोर्ट नहीं करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बगैर चले उतना निर्जला करो, अगर ज़रूरत पड़े बराबर तो पपैया जो आता है उनका पत्ते का रस या अनार का रस, वो रस दे दो, 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। उसने जैसा बोला था वैसा ही हुआ, 3 दिन में 100% क्लियर हुआ। उसी टाइम हमारे बिल्डिंग में कई लोगों को बुखार आया था, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 8 दिन तक रुके, 20-25 हज़ार का बिल आया, वो मुनाफे में रहा, और बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन डाला उसने वो उसको फेस करना पड़ा। तो मैं यहाँ आए हुए सभी को ये बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रकार की बीमारी है, आप रिलेटिव्स को या आपको है, तो NDS को फॉलो करिए। 5-15 दिन या 20 दिन आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, एक रूटीन आ जाएगी। और सभी माताओं को और बहनों का मेरे नम्र निवेदन है कि आपके घर में कोई भी ये फॉलो कर रहा है तो उनको प्लीज़ हेल्प करने का, या ग्रीन जूस कैसे बना दूँ मैं, आपको हर टाइम यही चाहिए, वैसा करके उनको तोड़ना मत, उनको आप सपोर्ट करेंगे तो दवा बिना रह पाएंगे। 13 महीने से मेरे घर में एक भी टैबलेट्स नहीं आई है, 13 महीने से एक भी टैबलेट्स मेरे घर में नहीं आई है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारा जो दवाई का फैमिली का जो एक साल में ये सिस्टम से नहीं जुड़ते हैं, रूटीन खाना खाते हैं, तो एक साल में जितनी दवाई आती है और दूध का जितना बिल है उतना फल और फ्रूट हम खा नहीं पाएंगे। वो पक्का है कि जितना फल और फ्रूट हमें खाना है वो दवाई और दूध के बिल जितना बनता है उतना नहीं खाता है। अभी तरबूज का, वाटर लेमन का सीज़न है, दूसरा टेटी आता है उनका सीज़न है, मैं लाता हूँ, 400 रुपये में 500 रुपये में 20 किलो मिलता है, 500 रुपये का 20 किलो हम पूरे फैमिली खा रहे हैं बराबर, तो वो 800 रुपये का फ्रूट 8 दिन में नहीं खा पा रहे हैं, और 8 दिन का दूध का बिल 4-5 लोगों का 800 से ज़्यादा होता है और दवाई का होता है। तो ये सिस्टम वैसे भी हमें अपनाएंगे तो हमारा रूटीन जो फैमिली का बजट है वो इनसे कम होगा। तो आज के जो समय में इतनी महंगाई है तो उनके हिसाब से मैं काउंटिंग करता हूँ, मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो जो हम रूटीन खा रहे उनसे ये सस्ता भी है और सबसे अच्छा भी है। थैंक यू।